स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेक खोज में। आज ये ब्लॉग है सिर्फ बरेली का। बरेली में सिर्फ और सिर्फ हम फन सिटी दिखाने वाले हैं। वाटर पार्क कितना बड़ा है वो आपको इसमें दिख जाएगा। ये रही मेरी YouTube की पूरी टीम, वो मकबूल, ये गुड्डू भैया, ये मुन्ना भैया और हम कालीन भैया। चलो फिर मिलते हैं, डायरेक्ट रास्ता कुछ नहीं दिखाने वाले, डायरेक्ट वाटर पार्क दिखाए। फन सिटी में आते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी क्योंकि फन सिटी बरेली का बहुत ही खूबसूरत पार्क है। हाँ, ईद की वजह से यहाँ पे ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। मैं जान पूछ कर बोलने की वजह से ऐसी शांत जगह पे आया हूँ जो कि है, लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ से, ये लगातार जा रही है और आगे तक। ये इधर इतना क्राउड है, कैंटीन भी है यहाँ पे और ये पूरे राउंड लगाएगी। ये वाली ट्रेन इस पूरे फन सिटी का राउंड लगाती है। ये बिग फैन सर, कैसे आप? अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये है हमारे गाइड साहब, ये हमें गाइड करेंगे कहाँ कैसे जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ धोना है, कहाँ नहाना है। अच्छा, ये देखिए, ये भी ब्लॉग बना रहे हैं और हमारे शाहरुख फंकी भाई, जिसको आप जानते हैं, इनका चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये लिख के भी आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। इनको जाके एटलीस्ट इनका ब्लॉग भी देखें। ये दिल्ली के ब्लॉग बनाते हैं, फूड ब्लॉग बनाते हैं और इन्होंने मुस्लिम मैरिज का ब्लॉग बनाया है। बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग था। ये वाली टीम है पूरी, शाहरुख फंकी एज ए मुन्ना भैया, शहजाद खान एज ए गुड्डू भैया और हम कालीन भैया, और ये हैं हमारे मकबूल साहब। ये देखें, ये आपको हमारी बहुत सारी वीडियोस में मिले होंगे, लास्ट वीडियोस में भी डेथ आ मिस्ट्री में आपने देखा होगा, और जिन वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको देखना पड़ेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। ईद की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो गया था जहाँ पर, यहाँ बहुत अच्छे से चेकिंग हो रही थी, बैग से लेकर पॉकेट सब अच्छे से चेक हुआ। पूरे पैसे वसूल करेगा जी आज, पूरे पैसे, क्योंकि निब्बल भी अलाउड नहीं है। भाई जी, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें क्राउड है। ये क्राउड सिर्फ ईद की वजह से है, वरना इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता है। होता है क्योंकि बरेली में एटलीस्ट इकलौता वन है जो इतना बड़ा वाटर पार्क है। वैसे छोटे छोटे बहुत सारे हैं, कभी टाइम मिला तो छोटे वाले वाटर पार्क को भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको इतने सारे जो क्राउड है वो बरेली के फन सिटी के बूंद में ही मिलने वाला है। फिर क्या था, हमने अपना बैग रखा और जल्दी से कपड़े चेंज करके सीधा डुबकी लगाने आ गए वाटर पार्क में। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं मेरे, ये दोनों फाइट कर रहे थे, तो हम भी पीछे क्यों रहे, हम भी शुरू हो गए इसमें और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर एक दूसरे को मार, 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग। इन भाई साहब को समझ नहीं आया करें क्या, तो ये डायरेक्ट ऐसे ही गिर पड़े और यहाँ पर सब थक कर बैठ गए और बस ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कितने बड़े सेलिब्रिटी हों। यहाँ पर हमने कुछ खास एक्टिविटी नहीं की, बस मस्ती ही किए जा रहे थे। हम एक दूसरे को पकड़कर खींच रहे थे, हमारे शहजाद भाई। वहाँ से आने के बाद थोड़ी सी हमने मस्ती और की और उसके बाद एक जगह बहुत शोर हो रहा था। यहाँ पर शोर इसलिए हो रहा था क्योंकि ये लोग वेव का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वेव आ रही थी पानी की, तो सब जितने भी आगे हैं वो पीछे आकर गिर रहे थे। उसके बाद हम यहाँ से, भूख लगने लगी और फिर कुछ खाने के लिए लेने पहुँचे हम। खाने के लिए भाई हमारे शहजाद भाई कुछ लेते हुए, जो भी लेना तो लेना। हमने कुछ स्नैक्स लिए और वापस हम नहाने पहुंच गए। नहाने के बाद कंप्लीट हमने कपड़े चेंज किए और वापस फन सिटी के पार्क में आ गए।
ये हम आ गए हैं फन सिटी के पार्क में। वाटर पार्क सामने है, उसके बाहर निकलते ही आपको ये पार्क मिलेगा, जहाँ से हमने एंट्री की थी वही। ये सारा लोकेशन जो है ये पार्क का ही है। ये शाहरुख भाई हमारे ब्लॉग बनाते हुए, इनका ब्लॉग भी इनके चैनल पे आप देख सकते हैं। इस पार्क में आपको रेस्टोरेंट की सुविधा भी मिल जाएगी, जहाँ पे हर प्रकार का आपको खाना मिल जाएगा। 7 डेज रेस्टोरेंट, जिसका मतलब है 7 दिन ये लगभग ओपन होता है। ये एक झूला है, इसको फ्री फॉल कहते हैं। यहाँ से सीधा ऊपर जाता है, उसके बाद एकदम से नीचे गिरता है। इसे बोलते हैं एक्वा शूट। सीधा सीधा एक्वा से आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक्वा का मतलब होता है वाटर। एक ये छोटी सी ट्रेन जाती है यहाँ पे, इसमें 6 लोग बैठते हैं, और ये सीधा ऊपर जाने के बाद यहाँ से एकदम से फ्री फॉल हो जाता है, और पानी में होते हुए ये बिल्कुल आगे निकल जाती है। इसमें थोड़ा सा भीगते हैं। ये एक छोटा सा पार्क है नवग्रह वाटिका, यहाँ बैठकर आप रिलैक्स फील करेंगे। और ये है फ्रॉग रेस, यहाँ पर बच्चे इसमें बैठते हैं, आई थिंक बड़े नहीं बैठते, बच्चे बैठते हैं, और ये बस चारों तरफ राउंड लगाता है, ऊपर नीचे होता है। अफ्रीकन जंगल मुगाम्बो गुफा है अफ्रीकन जंगल, यहाँ से एंट्री करते हैं, और जाने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे अंदर डरावना है, बहुत बड़ा सा है, और अंदर घूमने के बाद एग्जिट उसका यहाँ पर ही हो जाता है। देखने में ये आपको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन ये अंदर से काफ़ी बहुत बड़ा है। और ये है मुगाम्बो की गुफा, इसमें एक सर्कल घूमता है लाइट का, जिससे हमें लगता है कि हम तिरछे होते जा रहे हैं और फ्री फॉल की तरह एकदम गिर जाएंगे। ये आपको ईगल भी दिख जाएगा, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, जहाँ पर अक्सर लोग अपनी यहाँ पर सेल्फियाँ लिया करते हैं। और ये कैप्टन अमेरिका का स्टैचू है, यहाँ पर भी आप फोटो क्लिक करा सकते हैं। पहले आए थे तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं था, लेकिन अब इन्होंने एक छोटा सा जंगल बना रखा है। अगर आपने फन सिटी का टिकट लिया है और उसमें ये राइड इंक्लूड है, तब तो कोई बात नहीं। अगर इंक्लूड नहीं है तो आप 50 रुपीज़ का चार्ज देकर इस राइड को ले सकते हैं, और ये पूरा राउंड होता है। एक एक्टिविटी ये है, यहाँ ऊपर चढ़कर जाते हैं और स्लाइड होकर सीधा नीचे आते हैं पानी के साथ, लेकिन हो सकता है अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से अभी ये बंद है। इसी तरह से ये भी रोपवे एक एक्टिविटी है, जो आपके टिकट में अगर इंक्लूड नहीं है तो आप यहाँ पे 50 रुपीज़ चार्ज देकर इसको भी कर सकते हैं। इसके साइड में एक फ्रीज भी नाम से एक्टिविटी है, इसका भी अगर आपने फुल टिकट लिया है तो इसमें इंक्लूड आएगा, अदरवाइज आपको 50 रुपीज़ चार्ज देकर इस राइड का भी आनंद आप ले सकते हैं। आपको बोटिंग सिटी में आपको बोटिंग की एक्टिविटी भी मिल जाएगी। यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि आप फुल चक्कर में या हाफ चक्कर, यहाँ आपको खुद से ही जाना पड़ता है इसमें पैरों से एक्टिविटी करते हुए। एक म्यूजियम भी एड हो गया है, वर्ल्ड ऑफ द ममी। ये म्यूजियम में शायद इजिप्शियन का कुछ दिखाया गया होगा, क्योंकि बाहर से तो देखने में ऐसा ही लग रहा है। मैं अभी तक अंदर नहीं गया हूँ, लेकिन जब मैं आया था तब ये नहीं था, ये नया ऐड किया गया है। मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में नाम ज़रूर बता देना इसका क्या है, मुझे जानना है। डेफिनेटली बच्चे ज़रूर बता सकते हैं इसका नाम। साल पहले इस तरह का वाटरफॉल भी नहीं था यहाँ पे, अब काफ़ी सारा अच्छे से बना के रखा हुआ है इन्होंने, बहुत बढ़िया एक्टिविटी कर रखी है यहाँ पे। यहाँ पे फोटो क्लिक करने के लिए एक अच्छा छोटा सा ब्रिज बना रखा है, जो आप यहाँ देख सकते हैं सेल्फी क्लिक करा रहे हैं। और बाकी ये सारा जो एरिया है ना, ये वाला, ये बोटिंग का है, जो आपको अभी वहाँ से हमने दिखाया था, वो वहाँ से ऐसे करके राउंड आता है यहाँ पे, और बस ये पूरा। और उधर भी काफ़ी सारे, बीच में भी बहुत सारी जगह है बीच में भी। और मैं दिखा सकता हूँ यूसुफ के बाल उड़ रहे हैं, इस वाले फैन से यूसुफ के बाल उड़ रहे हैं, देखो बहुत बढ़िया पंखा है। जो रॉकी भाई ने KGF 2 में जो हवाई जहाज का पंखा उड़ाया था ना, मैंने उसी के पर निकलवा के इधर लगवा दिया है। गर्लफ्रेंड तो है नहीं, तो सब पब्लिक के लिए आम कर दिया मैंने। ठीक है, अभी हम लोग जाने वाले हैं जंगल। अब यहाँ से हम बाहर की ओर एग्जिट जब करते हैं, तो स्टेयर के ऊपर से फन सिटी का ये नज़ारा आपको देखने को मिलता है, जहाँ बहुत ज़्यादा ही क्राउड था। ये साइड सीन्स आपको ऊपर से ही देखने को मिलेंगे, जब आप एंट्री करते हैं या फिर जब आप एग्ज़िट होते हैं। और ये एक मूर्ति है एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट के बीच में, यहीं से हमने एंट्री की थी, यहीं से हम एग्ज़िट हो गए। तो अभी के लिए बस इतना ही, और अगर आप फन सिटी आए हैं तो आपको फन सिटी कैसा लगा? और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।